हेलो स्टूडेंट क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर है ये सेशन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर सेशन के लिए डीओई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है आपके एनुअल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस करना है नाइन्थ क्लास के लिए तो इसका हम सल्यूशन करने जा रहे हैं एंड लिंक में मैं प्ले सेक्शन को डालूंगी एस का वो आपको जरूर देखना है अपने फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए तो उसे समझना है और याद करना है चलिए इसका सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं तो आपके एनुअल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये हु आज द किंग ऑफ़ फ्रांस ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन तो यहाँ पे आपको पूछा है फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उस टाइम पे किंग कौन था फ्रांस का तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास किंग लुइज फोर्टीन सिक्सटीन फिफ्टीन किंग चार्ल्स टेंथ तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद करके जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या कारण थे है ना और उस टाइम पे कौन राजा था तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है किंग लुईसटींथ में के टाइम पे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और समझ लीजिए तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिगार्डिंग तो यहाँ पे उसके रूल के दौरान पे जो फ्रेंच इकोनॉमी थी उसको ह्यूज डैप्ट हो गया था बहुत ऋण हो गया था बहुत खर्चे बढ़ गए थे तो जिस रीजन से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उसको डिटेल में भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन वन का ऑप्शन बी आंसर है किंग लुइस सिक्सटीन्थ ठीक है सिक्सटीन्थ वाला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी आपको याद करनी है इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी में क्या होता है इलेक्शंस uh, होते हैं ना हर फाइव इयर्स में और जो वोट होता है एटीन ईयर अबव एज को देना होता है ठीक है तो यहाँ पे पूछा कौन सा डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है तो इनमें से कुछ तो डेमोक्रेसी के फीचर है बट एक फीचर है जो नहीं है तो यहाँ पे देखना है देखो तो फीचर फीचर भी आपको इससे डेमोक्रेसी के याद हो जाएंगे फ़र्स्ट फीचर फ्री एंड फेयर इलेक्शन येस ये डेमोक्रेसी का फ़ीचर है बी रूल बाय सिंगल इंडिविजुअल क्या इसमें एक ही इंडिविजुअल रूल करता है नो no. यहाँ पे पूरी डेमोक्रेसी किसके लिए होती है फॉर द पीपल टू द पीपल बाय द पीपल तो यहाँ पे सिंगल थोड़ी ना होता है तो ये बी ऑप्शन इसका फीचर नहीं है बाकी रिस्पेक्ट दी जाती राइट right माइनॉरिटीज़ को यस yes, ये है इसका फीचर सिटीजन पार्टिसिपेट करते डिसीजन मेकिंग में यस yes, ये भी इसका फीचर है तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है तो इसलिए आपको नॉट वाला पूछा था तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का ठीक है तो डेमोक्रेसी को भी आप फीचर्स को याद करिए अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं विच फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वेलिटी बिफोर द बिफोर द लॉ तो जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उन्हें याद कर लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट right है और उसमें से कौन सा राइट right है जो इक्वलिटी देता है बिफोर द लॉ तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है राइट टू इक्वालिटी है राइट टू प्रॉपर्टी की राइट टू एडुकेशन तो यहाँ पे फ्रीडम की बात हो रही है इक्वलिटी की बात हो रही है तो राइट टू इक्वेलिटी होगा ना तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो जाएगा को अभी तक बी ही ऑप्शन आ रहे हैं बट ऐसा नहीं है सारे ऑप्शन बी होंगे कुछ कुछ अलग भी होंगे तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर विच इज़ द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट तो अपर हाउस ऑफ इंडिया इंडियन पार्लियामेंट आपको पता है ना दो हाउसेज होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के तो एक अपर हाउस होता है एक लोअर हाउस होता है तो अपर हाउस पूछा है लोकसभा है राज्यसभा विधान है विधानसभा है कि पंचायत तो विधानसभा दो ही होते हैं हाउसेस तो है ना लोकसभा और राज्यसभा तो उसमें से जो अपर हाउस होता है वो राज्यसभा होता है उसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और जो लोअर हाउस होता है वो लोकसभा होता है इसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं तो यहाँ पर राज्यसभा है क्योंकि आपको अपर हाउस पूछा है अपर हाउस कौन सा है राज्यसभा है तो इसका बी आंसर बी ऑप्शन ही है ठीक है तो आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है प्ले सेक्शन में उसको ज़रूर चेक कर लेना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो इम्पॉर्टेंट प्ले की सारी वीडियोज़ को चेक कर लेना आपके फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो अच्छी तरह से कर लीजिएगा तो इसका आंसर राज्यसभा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी अपर हाउस है ये इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और लोअर हाउस आपका लोकसभा होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वट इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवल्यूशन इन सेवनटीन ऐटी नाइन तो जो फ्रेंच रेवोलूशन के टाइम पे कौन सी इवेंट बिगिनिंग में मतलब बिगिनिंग जब शुरू ही हुआ था फ्रेंच रेवल्यूशन तो कौन सी इवेंट हुई थी ए है द टेनिस कोर्ट और द स्टॉपिंग ऑफ द बेस्ट स्टाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ लिंग किंग लुइस सिक्सटीन की री रेन ऑफ टेरर तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये कौन सी इवेंट हुई थी यहाँ पे द स्टॉपिंग ऑफ द बेस्ट स्टाइल तो यहाँ पे द स्टॉबिंग ऑफ द बेस्ट स्टाइल और आपको पता ही ना फ्रेंच जुलाई में स्टार्ट हुआ था और ये जो था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ये एक्चुअल में मोनार्ची के अगेंस्ट था मुनार्क की जो गवर्नमेंट थी जो किंग का शासन था उसके अगेंस्ट था ठीक है तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना स्टॉमिंग ऑफ एस्टाइल के ऊपर और मुनार्क मतलब ये किस कारण से हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन तो इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन ठीक है तो इसका भी आंसर ऑप्शन बी ही है अभी तक कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन बी ही आ रहे हैं सिक्स का देखते हैं व्हाट इज़ द टर्म फूड सिक्योरिटी मीन फ़ूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है तो फ़ूड सिक्योरिटी को भी डेफिनेशन आपको आना चाहिए फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है of food market, food तो ऑप्शन है हैविंग एन अबंडेंस ऑफ फूड रिसोर्सेज बी ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स कि हाई प्राइजेज ऑफ फूड इन द मार्केट की लिमिटेड एक्सेस टू फूड फॉर द पुअर तो फूड सिक्योरिटी एक्चुअल में ये हमें मतलब सिक्योर करती है कि सबको फूड मिले चाहे वो अपर मतलब अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो पुअर लोग हो उन सबको फूड मिलना चाहिए और न सिर्फ फूड मिले इवन बल्कि उनको उनका सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड भी मिले जो भी अफोर्डेबल रेट हो तो बी ऑप्शन ही है इसका आंसर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल टू ऑल टाइम्स तो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि इसकी अगर डेफिनेशन आ गई आपको तो डेफिनेशन भी याद करनी है इसकी अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है ये क्वेश्चन फिजिकल सोशल इकोनॉमिक एक्सेस हो सभी को फूड मतलब फिजिकली भी मिले सोशली भी मिले और इकोनॉमिक भी मिले जो इकोनॉमिकली वो खरीद पाए ये नहीं कि बहुत महंगा फूड जो उनके बजट में वो खरीद पाए सेफ और न्यूट्रिश फूड होना चाहिए जिससे उनकी डाइटरी नीड्स पूरी हो हेल्दी लाइफ हो तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको याद करने एम वाले क्वेश्चन नहीं अगर ये अलग से आता है तो ठीक है तो फूड सिक्योरिटी को आपको अच्छी तरह से डिफाइन करना भी आना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन विच फंडामेंटल राइट इंश्योर द राइट टू प्रैक्टिस प्रीच एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन इन इंडिया कौन सा फंडामेंटल राइट है जो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की हमें राइट देता है तो राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन कल्चरल एजुकेशनल राइट्स तो यहाँ पे रिलीजन की बात हो रही है तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है बी ऑप्शन ही है इसका आंसर तो फ्रीडम ऑफ़ रिलीजन के अकॉर्डिंग हम किसी भी धर्म जो हमें चाहिए मतलब जिसकी भी हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको मान सकते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं बी ऑप्शन है B option इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच बॉडी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है द प्रेजिडेंट द प्राइम मिनिस्टर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द पार्लियामेंट तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए तो यहाँ पे सी ऑप्शन है आपका आंसर क्वेश्चन एट का तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुई थी एक्स्ट्रा भी आपको याद करके जाना कुछ और भी पूछ सकते हैं ना तो उसके बट ये फोर्स में कब आई थी मतलब मेन कब आई थी ये ट्वेंटी जनवरी को ये अप्लाई होनी शुरू हो गई थी अडॉप्ट ये तभी हो गई थी बट फोर्स में ये तब आई ठीक है 26 जनवरी 1950 को तो कॉन्स्टिट्यूंट ने क्या क्या करती है रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट फूड ग्रेन स्टेट्स को कौन डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कौन सी ऑर्गनाइजेशन का है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आर बी आई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर देखो फाइनेंस तो वित्त संबंधी मामले देखता है आर बी आई बैंकिंग से रिलेटेड होती है और फॉरन अफेयर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या जो करेंसी के एक्सचेंज वगैरह होते हैं वो फॉरन अफेयर्स होते हैं है ना मतलब विदेशी मामले जो होते हैं बट जो आपको फूड की बात करें ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फूड तो फूड फूड वाली ही कंपनी हो ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफ तो एफ की फुल फॉर्म फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ये सेटअप हुई थी नाइनटीन में और ये का सेटअप जो हुआ था फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के अकॉर्डिंग हुआ था तो ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर ओके क्वेश्चन नंबर टेन को देख लेते हैं आर्टिकल नाइनटीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद आर्टिकल नाइन्टीन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या, किसके बारे में डील करता है राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज राइट टू प्रॉपर्टी तो यहाँ पे आर्टिकल नाइनटीन जो है वो आपका फ्रीडम राइट टू फ्रीडम या फिर आप कह सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से डील तो करता है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन है ठीक है बी ऑप्शन तो अभी तक जितने क्वेश्चन आए आपको अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन को भी देखेंगे अभी और प्ले की वीडियोज़ को ज़रूर चेक कर लेना इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए तो उसको अच्छी तरह से कीजिए सारी वीडियोस करनी है आपको इसके अलावा साइंस की प्लेलिस्ट सेक्शन भी देख लेना साइंस के एग्ज़ाम के लिए तो वो भी बनी हुई है उसमें भी फाइनल एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रखे हैं तो उसको आप अच्छी तरह से कीजिए अगर आप अपनी फाइनल एग्जाम की प्रीपरेशन करना चाहते हैं एंड वीडियो को शेयर जरूर करिए कम से कम हंड्रेड लाइक्स तो दीजिए एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन एडोल्फ हिटलर वॉज द लीडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इन जर्मनी तो जो एडोल्फ हिटलर था वो जर्मनी की कौन सी उसने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी उसका किस किस पार्टी का वो लीडर था तो यहाँ पे अडोल्फ हिटलर जर्मनी का क्या था वो लीडर था ना तो उसने कौन सी पार्टी बनाई थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी उसको हम नाजी पार्टी कहते हैं तो ये पार्टी थी उसकी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एलेवन का ठीक है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी उसको हम नाजी पार्टी उसका दूसरा नाम नाजी पार्टी था इसको हिटलर ने फाउंड किया था हिटलर ने कब से कब तक रूल किया था जर्मनी में 1933 से 45 पे तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको याद रखने हैं बाकी ऑप्शन ए है इसका आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द मॉनसून विंड्स इन इंडिया आर इन्फ्लुएंसड बाय विच ओशियन जो मॉनसून विंड्स होती है वो किस ओशियन से इन्फ्लुएंस्ड होती है तो एटलांटिक ओशियन द इंडियन ओशियन द पैसिफिक ओशियन की आर्कटिक ओशियन तो मॉनसून विंड्स जो होती है ना बेटा वो इंडियन ओशियन से इन्फ्लुएंसड होती है क्योंकि मानसून के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको याद करना है मानसून जो होता है हमेशा कोल्ड से वार्म रीजन की तरफ ब्लो करता है और मानसून एक्चुअल में होता क्या है मानसून सीजनल चेंज होता है मॉनसून क्या है एक सीजनल चेंज है किसकी डायरेक्शन ऑफ विंड 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 की डायरेक्शन में अगर सीजनल चेंज हो जाए तो उसको मॉनसून कहते हैं और ये इसके कारण क्या होता है मॉनसून के कारण वेट एंड ड्राई सीजन हो जाता है जैसे रेनी सीज़न हो जाता है ना तो वो वेट एंड ड्राई होता है तो मानसून के कारण ही तो होता है वो ट्रॉपिक्स में ठीक है तो मानसून के बारे में मानसून क्या है किस कैसे कैसा सीजन हो जाता है उस टाइम पर या फिर वो कैसे फ्लो कर ब्लो करती है मानसून विंड्स और ये कौन इन्फ्लुएंस करता है इंडियन ठीक है बी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस हो कोई धानलेवा जी नाउ इलेक्शन में जैसे अभी भी इलेक्शन होने वाले हैं तो इलेक्शन कौन ऑर्गेनाइज करवाता है कौन रिस्पॉन्सिबल इलेक्शन करवाने के लिए तो इसमें है ऑप्शन ए द इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन ही क्या करता है इलेक्शन कंडक्ट करवाता है और इलेक्शन कमीशन के थोड़े से आपको आ, रोल को याद करना है क्या क्या फंक्शंस है इलेक्शन कमीशन के वो इम्पोर्टेंट है तो उसको आप जरूर याद करके जाना तो इसका आंसर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का ए ऑप्शन द इलेक्शन कमीशन ये क्या करवाता है इसका काम क्या है ये इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस हो मतलब वोटिंग में कोई धानलेबाजी वगैरह ना हो कोई मतलब गलत तरीके से वोट को वोट किसी का वोट किसी और को ना मिल जाए ठीक है तो ये सब किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द रिवर गंगा ऑरिजिन ऑरिजिनेट्स फ्राम तो गंगा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर कंचनजंगा वेस्टर्न घाट की नीलगिरी हिल्स तो गंगा के नाम से ही पता है गंगोत्री ग्लेशियर से ही ऑरिजिनेट होती है वो तो ए ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड तो ह्यूमन कैपिटल की भी आपको डेफिनेशन वगैरह याद करके जानी है ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है किसी भी ऑर्गेनाइज मतलब किसी भी देश के लिए ह्यूमन कैपिटल क्यों जरूरी है तो ये आपको याद करके जाना है तो ह्यूमन कैपिटल एक्चुअल में क्या होती है ये ये कोई फिनेंशियल एसेट नहीं होते कोई मतलब कोई पैसे वगैरह नहीं होते ह्यूमन कैपिटल के नाम से आप समझो कि पैसा है नहीं ह्यूमन कैपिटल एक्चुअल में हम जो ह्यूमंस है हमारे पास क्या स्किल है नॉलेज है एजुकेशन है, है तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्किल के थ्रू चला सकते हैं ना तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब स्किल नॉलेज और एजुकेशन से है तो इसको भी आप डिफाइन करके कर, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना क्वेश्चन फिफ्टीन का आंसर डी है ठीक है ह्यूमन किससे बनता है ह्यूमन कैपिटल इन सबसे बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया फॉर जनरल इलेक्शंस तो इलेक्शन के लिए वोटिंग एज कितनी होती है तो सबको पता होना चाहिए एटीन ईयर्स होती है बी ऑप्शन है इसका आंसर ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा एटीन ईयर्स चलिए इसके एजेशन रीजन पे आते हैं प्ले लिस्ट को जरूर चेक कर लेना इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए तो उसको जरूर कीजिए ठीक है जो जो क्वेश्चन उसके अंदर या क्वेश्चन पेपर्स उसके अंदर है पी वाई क्यूज़ है उनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा इसके अलावा ये पेपर तो इंपॉर्टेंट है ही आपका फाइनल एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर ऑफिशियल है ये डी का ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आते हैं एजर्शन है सोशलिस्ट अपोज द प्राइवेट पार्टी क्या क्या सोशलिस्ट लोग जो होते हैं प्राइवेट पार्टी का अपोज करते हैं या सोशलिस्ट है तभी तो वो तभी तो बनी क्योंकि उनको प्राइवेट लोगों का काम जो प्राइवेट पार्टीज होती है वो अपने अपने फ़ायदे के लिए काम करती है तो सोशलिस्ट लोग प्राइवेट पार्टी का क्या करते हैं अपोज करते हैं तो एजर्शन आपका बिल्कुल ठीक है कि सोशलिस्ट लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या करते प्राइवेट पार्टी प्रॉपर्टी का अपोज का करते हैं प्रॉपर्टी होल्डर्स थिंक ओनली अबाउट पर्सनल गेन क्योंकि जो प्रॉपर्टी होल्डर्स होते हैं वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में बात करते हैं तो यही तो मैंने अभी रीज़न भी बताया क्यों वो अपोज करते हैं क्योंकि वो अपने फायदे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो अपने फायदे की बात करती है यानी एजर्शन भी ठीक है रीजन भी ठीक है और एक्सप्लेशन भी ठीक है कि क्यों अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो अपने ही फायदे की बात करते हैं इसलिए एक्सप्लेनेशन जब एजर्शन रीजन दोनों ठीक हो और एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो तो इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी एजर्शन रीजन है क्वेश्चन नंबर एटीन नेल्सन मंडेला वॉज इम्प्रिजेंट इन रॉबेन आइलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर ट्वेंटी एट ईयर्स नैलसल मंडेला को कैद किया गया था रॉबेन आइलैंड में साउथ अफ्रीका में है ट्वेंटी एट ईयर्स के लिए तो यस ये ठीक है नोएल्सन मंडेला को 1964 में इम्प्रजेंट किया गया था कैद किया गया था ठीक है क्यों किया गया था वो भी रीज़न है कि उन्होंने क्या किया था जो काले रंग लोगों के साथ क्या हो रहा था भेदभाव हो रहा था उनको कहीं भी नहीं मतलब उनको सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलती थी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था उनको ट्रेन में गोरे लोगों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था है ना तो ये सब बहुत भेदभाव होता था तो इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया था इसलिए उनको क्या किया गया इम्प्रजेंट किया गया था रॉबिन आइलैंड में साउथ अफ्रीका में अट्ठाईस सालों तक तो एजेशन बिल्कुल ठीक है और रीज़न नहीं रीज़न है नजर सलमंडेला ने अपोज़ किया था पार्थिड का अपारथिड वही है जो मैंने अभी आपको बताया काले रंग के लोगों पे उनको एक्सप्लोय किया जाता था उनके साथ बहुत रेश रेशम किया जाता था तो ये अपार्थिड ही कहते हैं उसको तो नैजल मंडेला ने अपार्थिड का अपोज़ किया था यस ये रीज़न मैंने अभी तो बताया आपको क्यों इम्प्रेजेंट किया गया था क्योंकि उन्होंने अपैथेट का अपोज किया था तो यस रीजन भी बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन ही कर रहा और रीजन ठीक भी है तो एजर्शन रीजन जब दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है तो ऑप्शन ए इसका आंसर है क्वेश्चन एटीन का ऑप्शन भी ए ही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एजर्शन है तापी इज अ सीजनल रिवर क्या तापी सीजनल रिवर है और रीज़न है तापीज है हिमालयन रिवर तो आपको पहले तो सीजनल रिवर के बारे में पता होना चाहिए तो क्वेश्चन पेपर में कई बार ना ये तो अभी एजर्शन रीजन में शॉर्ट में ही है बट सीजनल रिवर क्या होती है आ, ए, सीजनल रिवर और पेनिनसुलर रिवर में पेनि पैनिन्स, पेनिसुलर रिवर, रिवर तो आपकी सीजनल रिवर को ही कहते हैं बट सीजनल रिवर और हिमालयन रिवर में डिफरेंस भी आ जाता है तो देखो सीजनल रिवर के बारे में आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देती हूँ तो सीजनल रिवर जो होती है हमारी वो पेनेंसुलर रिवर ही उनको उनका दूसरा नाम पेनेंसुलर रिवर भी होता है और ये रिवर ना हिमालयन रिवर से शॉर्टर होती है छोटी होती है और इसको ना सीजनल रिवर को हम नॉन पैरनियल रिवर्स भी कहते हैं अब नॉन पेरेनियल का मतलब क्या होता है क्योंकि ये ना कॉन्टीन्यूअसली फ्लो नहीं करती है क्योंकि छोटी लेंथ की है तो ये कॉन्टीन्यूसली फ्लो नहीं करती इसलिए इसको नॉन पेरनियल कहते हैं तो पेरिनियल का मतलब समझ आ गया यानी जो फ्लो करे कॉन्टीन्यूसली वो पैरिनियल होगी है ना तो पैरनीयल रिवर को हम क्या कहेंगे पेरनियल रिवर क्या हो जाएंगी दो रिवर हो गई ना एक पैरनील और एक नॉन पेरिनियल जो सीजनल रिवर हो है, वो नॉन पेरेनियल है पेरिनियल रिवर जो फ्लो करे कॉन्टीन्यूसली फ्लो कॉन्टीन्यूसली आपको लिख लेना इसके अलावा पेरेनियल रिवर हिमालयन रिवर होती है कौन सी रिवर होती है हिमालयन रिवर्स होती है सीजनल रिवर पेनिनसुलर होती है और नॉन पैरिनियल होती है जो हिमालयन रिवर होती है वो पैरिनियल होती है और वो फ्लो करती है कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर तो इनमें डिफरेंस भी आना चाहिए आपको हिमालयन और सीजनल रिवर में क्या डिफरेंस है या फिर पैरिनियल और नॉन पैरिनियल में क्या डिफरेंस है या फिर हिमालयन के साथ पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है तो ये सारे सीजनल के लिए ये सारे नाम है पेनिनसुलर नॉन पैरनील हिमालयन के लिए पैरिनियल नाम है ना या नॉन पेनिनसुलर तो ऐसे करके आपको डिफरेंस भी याद कर लेना है तो इसके अपो इसका अपोजिट सारा इसमें लिख देना है हिमालयन रिवर में ठीक है तो ये नॉन पैरिनियल है जो हमारी सीजनल रिवर होती है ये फ्लो नहीं करती कॉन्टीन्यूसली ये फ्लो कब ज़्यादा करती है जब मानसून सीजन आता है क्योंकि रेन के कारण इनमें जो पानी आता है ना वो रेन के कारण होता है मतलब रेन होगी तभी ये फ्लो करेगी बहुत ज़्यादा तो ये मानसून सीजन यानी ये रेन से पानी लेती है तो मानसून सीजन में ये बहुत ज़्यादा फ्लो करती है इसके एग्जांपल्स भी आपको याद कर लेने हैं ब्रह्मापुत्रा तापी घा घग्गर गोदावरी कृष्णा चौ कौज कोस महानदी ये सब क्या है ये आपकी सीजनल रिवर है या फिर कह सकते हो पेनसुलर रिवर है या कह सकते हो नॉन पेरेनियल है नॉन पेरेनियल का मतलब समझ आ गया जो कॉन्टीन्यूसली फ़्लो ना करे और जो मानसून पे डिपेंड हो जबकि पैरनील या फिर हिमालयन रिवर जो कंटिन्यूसली फ्लो करे और वो मतलब थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है और वो उनका जो ऑरिजिन सोर्स होता है ना वो जो हिमालयन रिवर होती है हिमालयन रिवर मैंने अभी बताई ना पेरनियल रिवर्स होती है इनके एग्जाम्पल याद कर लेना सतलुज बी जरावी ये ये हिमालयन रिवर्स है ठीक है ये हिमालयन रिवर्स है और ये इसका जो ऑरिजिन होता है वो ग्लेशियर के मेल्ट होने से होता है तो हिमालय के जो ग्लेशियर्स मेल्ट करते तो तब ये नदियाँ बनती है तो ये लंबी भी होती है कौन सी वाली हिमालयन वाली ठीक है तो क्वेश्चन आपका सीजनल रिवर के ऊपर है तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने पाँच पॉइंट मैंने आपको बता दिए एक तो सीजनल रिवर को हम पेनिनसुलर या नॉन पेरिनील रिवर कहते हैं ये कॉन्टिन्यूसली फ्लो भी नहीं करती है ये मानसून सीजन पे फ्लो करती है इसके एग्जाम्पल्स आप सारे याद करके जाना सीजनल के तो तापी है ना सीजनल यस पेरेनियल हिमालयन रिवर्स को कहते हैं इसके एग्जाम्पल सतलुज बीज राबी इनका जो सोर्स है ऑरिजिन का वो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है ठीक है तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बता दिया आपको अब आप मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर में है क्या है तो इन क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसको आपको अच्छी तरह से करना है तापी सीजनल रिवर है यस yes, ट्रू है अभी मैंने आपको बताया तापी सीजनल रिवर में आती है तो एजर्शन तो ठीक है नाइनटीन क्वेश्चन का रीज़न है क्या तापी हिमालयन रिवर है नो no, सीजनल रिवर हिमालयन थोड़ी ना होती है सीजनल रिवर तो पेनिन्सुलर या नॉन पैरिनियल होती।, होती है जबकि हिमालयन रिवर पैरिनियल होती है पेरेनियल मतलब जो कंटिन्यूसली फ्लो करे ठीक है तो ये ये तो सीजनल रिवर है तापी हिमालयन और सीजनल तो दोनों में डिफरेंस है ना तो ये एक तरफ से बोल रहे हैं सीजनल है और फिर दूसरी तरफ से बोल रहे हैं हिमालयन है नो no. सीजनल तो ठीक है बट हिमालयन नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करती है इनका सोर्स जो होता है तापी का वो क्या है वो आपका मानसून है ठीक है तो एजर्शन ठीक है बट रीज़न गलत है तो जब एजर्शन ठीक हो रीज़न गलत हो तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए एजर्शन ठीक है रीजन गलत है सी ऑप्शन इसका आंसर है तो आई होप डिटेल्स में आपको ये समझ आ गया होगा सीजनल और हिमालयन में क्या डिफरेंस होता है ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कम से कम पॉइंट आपको डिफरेंस के याद कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं ये भी रीजन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी इसका मतलब होता है कि जब कुछ टाइम तो मंथ में काम मिलता है कुछ मंथ काम नहीं मिलता मतलब रेगुलर काम नहीं मिलता तो उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं तो वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है यस yes, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो पूरे साल भर थोड़े ना बिज़ी होते हैं उनको कुछ ही महीने वो काम करते हैं बाकी टाइम वो खाली रहते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है यस एजर्शन बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट रीज़न की लाइन पढ़ लेते हैं रेट ऑफ एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाई इन रूरल एरिया क्या जो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यानी एडुकेटेड का मतलब पढ़े लिखे होकर जो बेरोज़गार है क्या वो रूरल एरियाज़ में है नो रूरल एरियाज़ तो गाँव को कहते हैं ना गाँव में थोड़ी ना पढ़े लिखे लोग हैं तो अगर गाँव में कम गाँव में मतलब शहर पढ़े लिखे होंगे बट शहरों के कंपेरिजन में थोड़ी कम पढ़े लिखे हैं तो शहरों में पाई जाती है एडुकेट अगर एडुकेटेड है और फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है तो वो ज़्यादातर शहरों में होता है अर्बन्स में होता है रूरल में थोड़ी ना होता है तो यानी कि रीज़न आपका गलत है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती रू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो शहरों में होती है तो यहाँ पे गलत है रीज़न गलत है एजर्शन ठीक है जब भी एजर्शन ठीक और रीज़न गलत हो तो यानी कि सी ऑप्शन इसका भी आंसर हो जाएगा आई होप डिटेल सोल्यूशन में आपको वीडियो समझ आ गई होगी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं इसका इसका सेक्शन बी और सी जल्द से जल्द आपके लिए कवर कर सकूँ तो वीडियो को कम से कम हंड्रेड लाइक तो जल्दी से जल्दी दो और वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को चैनल में नए हो तो एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन सी और डी सेक्शन बी आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा एंड प्लीज़ सेक्शन को ज़रूर देखिए आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो डी का ऑफिशियल सेवल पेपर ही है इसको भी आपको अच्छी तरह से याद करना है ठीक है तो नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा